चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद। जो भी आदेश होगा मरने मारने तक अब तो पहले मैं तो तैयार बैठा। और जो दिल्ली जाने वाले की बात होगी तो उस पर भी जो है किसान जागा। सरकार है अपनी तरह ना सही चला रही, सरकार जो चाह रही वो ही कर रही। बिल पास करना पड़ेगा, सरकार की भी मजबूरी हो जाएगी और किसानों की तो मजबूरी है। अगर ना किया तो आंदोलन होगा, आंदोलन होगा पूरा फूल। जिम चलेंगे तो बैठोगे या नहीं? हाँ बैठेंगे, आप बंदे ट्रैक्टर चलेंगे, हम तो जा रहे हैं, ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं, काम धंधा निपटाएगा। कितने लोग आ रहे हैं? सैकड़ों में है अभी तो। अच्छा, तो अभी प्रशासन क्या रोक रहा, क्या कर रहा? प्रशासन रोक नहीं रहा, प्रशासन क्यों रोकेगा, रोकने का तो मतलब नहीं। फिर क्यों अंदर क्यों जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं। किसान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, 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 किसान जो निहत्ता किसान बैठा है सिर्फ अपनी मांगों को लेकर, और मांग भी कोई ऐसी नहीं है कि ना पूरी होने वाली हो। क्या मांग रहा किसान, क्या चाहता है? सिर्फ अपनी फसल का वाजिब दाम और उसकी गारंटी, वो भी जो सरकार द्वारा तय है। एमएसपी हमने तय नहीं करी, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मैक्सिमम की मांग नहीं है किसान की, सिर्फ उसकी गारंटी के लिए किसान पिछले 8-10 दिन से सड़क पर है। 4-5 बार की वार्ता हुई, लेकिन वार्ता में क्या मिला? तो सिर्फ लॉलीपॉप। ये जो हम जो है वो वहां हिंदू वर्ग है जो मैं छोड़ने में थे, खूब का मर जाओ। आज तक इस देश में कभी किसान में ऐसा अत्याचार नहीं हुआ। क्या इसका प्रदूषण नहीं आता वहां दिल्ली में? हमारी पार्टी पुराने आ जाओ, करम करो चरम। अगर किसान अंधता भूखा है, देश का नाश हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, फिर किसान की इज्जत नहीं करोगे। और मैं तो कह रहा हूं जो भी आदेश होगा मरने मारने तक अब तो पहले मैं तो तैयार बैठा। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे किसानों में जो है तहसील का घेराव किया था, तो आज का जो घेराव है वो हर तहसील पे है। संयुक्त किसान मोर्चा जो है अपनी एकता दिखा रहा है, और जो दिल्ली जाने वाले की बात होगी तो उस पर भी जो है किसान जागा। क्यों सरकार जो है मांगे नहीं मानने को तैयार है किसान? किसान जो है, सरकार जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है, नीतियाँ पूंजीपति बना रहे ना कि किसान बना रहा। किसान की उपज का मूल्य जो है पूंजीपति तय कर रहे हैं, जैसे पूंजीपति कह रहे हैं उस हिसाब से तय कर रहे हैं। भाई किसान की फसल की लागत जो है पिछले 10 साल में 10 गुनी बढ़ ली। खाद का डाया कट्टा 4.5 सौ था, 13.5 सौ हो रहा। यूरिया कट्टा 50 किलो में 40 हज़ार का रेट होगा वही। तो जब किसान की लागत बढ़ती जा रही और जो है उपज का रेट मिल नहीं रहा, तो किसान तो बिल्कुल तबाही की ओर है। देश का किसान तबाही की ओर है, किसी फसल का हो। सरकार है अपनी तरह ना सही चला रही, सरकार जो चाह रही वही कर रही। अब कोई धरना प्रदर्शन कर जाए उस पर भी रोक लगा रही, कोई हड़ताल करके बैठे कर्मचारी उस पर भी रोक लगा रही। अब ये कह जाए किसान को कुछ जो है पत्ती जड़ावे, इसका प्रदूषण बहुत ज़्यादा कर रही, उस पर जो है रिकवरी भी कर रही। अब कोरोना टाइम में जो है सब अपने घरों बैठे थे, सब गाड़ी बंद थी, जीडीपी कितनी उठाई किसान ने? किसान तो बिल्कुल अपने काम पर पूरा लगे आया था। यहाँ से एमएसपी के लिए क्या आप कभी दिल्ली कूच करने का है प्लान कि दिल्ली बॉर्डर पे जाके? प्लान तो यहाँ धरने पर नहीं बैठे, मैं क्यों नहीं जान दे रहे।
पहले भी गए थे, अब भी जा रहे, कहीं जूत बजरा लट बजा रहे, ऐसू गैस के गोले छोड़ रहे, वहाँ कोई प्रदूषण नहीं होता। इतना बबंडर ये कि उसमें कील ठोक रहे, बैरिगेडर कर रहे, उस तरह बढ़िया तो ये बात सुन लो, किसानों को बुलवा के ही सुन लो कि भाई आ जाओ तो हम यहीं बैठ के बात कर लेंगे, इतना खर्चा तो इसमें भी नहीं होने का। कब तक आपका ये धरना जो है यहाँ पे जारी रहेगा? बस ये तो सांकेतिक था आज का, ऊपर से जितना भी आदेश मिलेगा, भारतीय किसान यूनियन के अनुशासित सिपाही हैं, अनुशासन में काम करना जानते हैं, और जो भी आदेश आज का था वो पूरा हो गया, ज्ञापन देंगे, आज का मामला समाप्त हो जाएगा और आगे का जो भी आदेश आएगा उसे जो है बड़े अनुशासित तरीके से, बड़े अदम्य साहस के साथ अपना कार्य पूरा करेंगे भारतीय किसान यूनियन के सिपाही।